जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तांडव मूवी को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि इस सिनेमा में क्या है मुझे पता नहीं, मैंने तांडव सिनेमा नहीं देखा है। हमारे देश में संविधान में समाज के सभी वर्गों को उनके धर्म को मानने और पूजने का अधिकार है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाए। समाज द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। अपने देश में डेट शब्द नहीं होता है, यह विदेशी से आयतित है। कोई डेट करता है तो उन दोनों को प्यार है, किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकते। हिंदुस्तान में इंटरकास्ट मैरिज होता रहा है, जातिवादी सोच 10वीं सदी की सोच है। स्कूल कॉलेज में जाइए तो कोई भेदभाव नहीं। प्रयास यह होना चाहिए कि भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। राम मंदिर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है, इस पर अब कोई विवाद नहीं करना चाहिए। Powered by Mamji Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. पटना में दफ्तर में आयोजित किया गया है। देखिए, आज जानते हैं कि हम लोग राणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप, उनका एक योगदान भारत के इतिहास में रहा है और उनके याद को हम लोग स्मरण करने के लिए पार्टी कार्यालय में सब साथी इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो समाज सुधार सेनानी जो प्रकोष्ठ हमारी पार्टी के, उसी के तरफ से आज पार्टी कार्यालय में आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं जितने भी साथी हमारे पूरे बिहार से आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके बाद इसी क्रम में कार्यक्रम आगे भी जो हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह जी, उनके आवास पर भी है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। सर, तांडव मूवी को लेकर घमासान मच, कंट्रोल नहीं हो पाया। अरे बिल्कुल, देखिए मैं इस बात को क्यों बोल रही हूँ कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो बता दी आपको फिगर ना, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। कोई घटना घटती है उस पर पूरा का पूरा देखिए, ऐसा नहीं, मैंने बताया ना, कोई मशीन नहीं ना कि आप रख दीजिएगा तुरंत निकल गया। इस पर कई एंगल से सब चीज़ों की जाँच होती है। और एक बात और जानते कि अपना पूरा का पूरा जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ, उसमें व्यवस्था क्या है कि भाई कोई भी निर्दोष ना फंसे और जो दोषी हो उसको जहां भी हो उसको पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो और हमारी पुलिस उसमें लगी हुई है। फिर ये मत कहीं इसे दिमाग में रखिए कि साहब बड़ा गिर रहा है। देखिए कोई घटना घट जाती, मैंने बताया तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी पुलिस सक्षम है और उस पर कार्रवाई होगी। घटनाओं को रोकने अपने माता पिता का जरा कार्यकाल उठा कर देखिए, कितने नरसंहार होते थे। आप सब मीडिया के साथी हैं, एक जगह से निकलते थे दूसरी जगह चले जाते थे, इसलिए कहिए जरा ये सब अब कैसेट बंद करें। अब जरा कैसेट और बजना चाहिए कि बिहार में कैसे विकास हो, उसमें कुछ सुझाव हो तो बताएं। अब वो लिखते हैं चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को, अब जरा बताइए हमको, हम कुछ कहते नहीं लेकिन बोर्ड की भी डिग्री नहीं है तो चिट्ठियाँ कौन लिखता है जी? चिट्ठी कौन लिखता है? जो उनको चिट्ठी लिखवाता है उनको सलाह देनी चाहिए, जरा कैसे राज्य का विकास हो उस पर कुछ सुझाव दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए इतना, अरे बिल्कुल सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखिए एक बात मैं बता दूं, हौसले बुलंद कहाँ से हो सकते हैं। सरकार का काम है जो इस तरह के अपराधी हैं उन सबको पकड़ करके सजा दिलवाना और रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कितने अपराधियों की सजा हो चुकी है। तो इसलिए देखिए आप जो हैं हमारे पूरे का पूरा, अब देखिए बिहार में एजेंडा क्या होता है, सब लोग अपना अपना सेट करते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है सर, टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा तो उसकी ना होनी चाहिए जो सबसे बड़ी महामारी, आप जरा जान लीजिए दुनिया में आज तक इतनी महामारियां हुई हैं, किसी भी वैक्सीन को इतना जल्दी नहीं निकाल पाया गया, साल भर के अंदर वैक्सीन निकल गया, लोगों को लगाया जा रहा है, कितने लोगों की उससे जान बचेगी। और जो बिल्कुल ही समझिए जिस पर कोई बहुत आधार नहीं है उसी को रोज लोग हाईलाइट करते रहते हैं, इससे बचना। देखिए हम मूवी तो देखे नहीं हैं लेकिन क्या है मूवी में जो मुझे पता भी नहीं,
लेकिन अगर कुछ बताइएगा तो हम बता सकते हैं। देखिए, कई विवादास्पद बात कही जा रही है, भगवान राम को लेकर, शिव को लेकर और जाति की जो कुंठा है उसको लेकर भी कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल उसमें निकल कर ये आ रहा है कि जिस तरीके से आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है वो अपने आप में हिंदू मान्यताओं को आहत करता है। देखिए, अपने देश में आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा जो संविधान है, समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को अपना अपना जो भी उनका धर्म है उसको मानने का, उसका प्रचार करने का सबको अधिकार है और किसी को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। किसी भी धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं उनकी भावना को किसी भी माध्यम से उसको ठेस पहुँचा। सर, क्या आपको कर रहा होता है उस महिला से बदला ले रहा होता है, ये सवाल इस तरीके का डायलॉग किस तरीके से क्या लाजमी है? देखिए, एक बात मैं बता दूँ, अपने हिंदुस्तान में तो डेट शब्द प्रचलित भी नहीं है, ये विदेशों से आयातित हुआ है। और देखिए, एक बात आप जानते हैं, युवा हैं, युवती हैं, उनमें प्रेम होता है तो कोई जाति का वो कहीं नहीं होता है कि साहब उसमें लगा हुआ है कि आप उसमें किसी प्रकार का सेंसर किसी के मन पर लगा सकते हैं, किसी के हृदय पर लगा सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और ये यही तो एक, देखिए आगे चल करके आप पूरे बिहार, हिंदुस्तान को आप हिंदुस्तान में पूरा स्टडी करिए तो यहाँ देखिएगा इंटरकास्ट मैरिजेस। अब मुझे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा था प्रिंसिपल पहले तो 7% इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है ना। और इसमें अब देखिए, जो इस तरह की जो सोच है ना, ये सब 17th century के है। अब हम लोग 21वीं सदी में हैं। यहाँ आप आज देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों का सब यूनिफॉर्म है, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। कहीं भी आप जाइए, आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, देखिए एक बात मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार इस मामले में स्पष्ट कर चुके हैं। और कानून व्यवस्था जो है ना, एक बहुत बड़ा समझिए दायरा होता है उसमें, और उसमें व्यक्तिगत हिंसा भी है, किसी की भी हत्या होती है वो दुखद है, और ये समझिए कि हत्या नहीं होनी चाहिए। आप जरा देखिए हमारे सरकार ने जो काम किया, पूरे आप जानते हैं कि जो हमारा पूरे देश का जो हमारा जो जितना भी क्राइम होता है उसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसका स्टैटिस्टिक्स बनाता है। अब देख लीजिए उसमें भाई, राष्ट्रीय औसत कितना है? 383.5 एक लाख, बिहार में 222.5, तो हम लोग राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। लेकिन आप जानते हैं सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, और हमेशा हमारे नेता हमेशा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई घटना घटती है, बिहार में 12 करोड़ लोग हैं जिसमें बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें नहीं आती। लेकिन अगर किसी के मन में, जिसको हम लोग मेंस्रिया कहते हैं, कोई इस तरह का काम करने की अगर बात में माने, तो आज तो कोई मशीन ऐसा निकला नहीं कि आप पता कर लीजिए। साथ ही कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, कोई हत्या हो जाती है, तो भी कोई मशीन नहीं निकला है कि तुरंत वहाँ पर रख दीजिए, तुरंत पता चले। इसमें हम लोगों को अपने जो पुलिस कर्मी हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। और बिहार में जितने भी क्राइम हुए हैं सबका उद्भेदन हुआ है और सब पर कार्रवाई हुई है और बड़े बड़े लोगों को सजा मिली है, और कहीं भी किसी प्रकार का क्राइम हो तो बक्से नहीं जाए। सर, तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक नीतीश बाबू 2-4 लोगों का हर रोज सर कटवा नहीं लेते तब तक उनको